हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक हियर। आज का जो वीडियो है वह है एडमिशन रूल्स मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट 2020 के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, डिग्री के बारे में, डिग्री कितने साल की होती है, मध्य प्रदेश में कितने वेटनरी कॉलेजेस हैं, वहाँ कितनी सीट्स हैं और उनमें रिजर्वेशन किस तरह का है। इसके अलावा आपको जानकारी दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए और फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग एडमिशन रूल्स मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको जिस डिग्री में एडमिशन मिलेगा उसको कहते हैं BVSC एंड AH, अर्थात बैचलर इन वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 5.5 साल का कोर्स है और इसकी पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश है। मतलब आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। दूसरा पॉइंट है कि इस डिग्री के एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया या फिर न्यूनतम योग्यता क्या है, तो उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली योग्यता यह है कि आपको डिग्री के अंदर एडमिशन तब मिलेगा जब आपने मध्य प्रदेश PVLFT परीक्षा को क्लियर किया है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपका 12वीं में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरा क्राइटेरिया वो है कि जिन भी अभ्यर्थियों जो पहले मध्य प्रदेश जो कॉलेज वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने छोड़ चुका है, वो इस परीक्षा को देने के पात्र नहीं होंगे। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है न्यूनतम अंक सीमा। तो आपको PVLFT में न्यूनतम 50% अंक लाने ही होंगे अनारक्षित वर्ग को। वहीं जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 33% का क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब हम मूव करते हैं कि महाविद्यालय में कितने सीट हैं और उसमें आरक्षण किस तरह का है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, महाविद्यालय में टोटल 211 सीट है। यह आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और महाविद्यालय में 3 वेटनरी कॉलेज हैं, जबलपुर, रीवा एंड महू। तो इन जबलपुर, रीवा और महू में किस तरह से सीट का आवंटन हुआ है उसे हम समझते हैं। 71 सीट जबलपुर की हैं, रीवा की 70 हैं, वहीं महू की 70 सीट हैं। अब यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 101 सीट हैं। यदि आप SC के हैं तो आपके लिए हैं 32 सीट। यदि आप ST के हैं तो आपके लिए है 40 सीट। वहीं OBC के लिए 28 हैं और इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए 10 सीटें हैं। अब इन वर्गों में भी फिर से वर्गीकरण हुआ है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कैसा है वर्गीकरण। X वो हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आते, जनरल कैटेगरी के वो अभ्यर्थी जो किसी भी वर्ग में नहीं आते। F का मतलब यहाँ पे फीमेल है। K का मतलब है किसान। FF का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। S का मतलब यहाँ पे होता है सैनिक। और PH का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप। तो इस तरह से आप देखें तो अलग अलग तरह का वर्गीकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, आपके कैटेगरीज को जानने के लिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे कि जो एक पॉइंट ये है कि जो तीनों विश्वविद्यालय में जो 15% सीट हैं वो VCI के द्वारा आरक्षित हैं। तो वहाँ पे जिन भी बच्चे अभ्यर्थी नीट दे रहे हैं या फिर जिनका जो दूसरे राज्यों के हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनका एडमिशन हमारे महाविद्यालय के अंदर होता है By giving NEET। अब दूसरा कुछ क्राइटेरिया यह है भी है कि 10% कुछ सीट होती हैं पूरे महाविद्यालय की, वो NRI के लिए हैं। तो NRI मेरे हिसाब से अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो लगभग ही कोई होगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है, 5वां नंबर का पॉइंट यह है कि जो भी अभ्यर्थी जब आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाता है, यदि वो अनुपस्थित होता है तो उसकी सीट रिक्त मानकर उसे दूसरे अभ्यर्थी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
छठवां नियम वास्तविक निवासी की पात्रता से संबंधित है। यदि आप वास्तविक निवासी हैं तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, तो हम सातवें पॉइंट की टूवर्ड मूव करेंगे। तो सातवां जो पॉइंट है वो संबंधित है आयु सीमा से। तो आयु सीमा आपकी 31 दिसंबर 2020 तक 17 वर्ष होनी आवश्यक है, अर्थात यदि ना होने पर आप प्रवेश के लिए वर्जित हैं। आठवां पॉइंट है मूल निवासी, मध्य प्रदेश का आपको मूल निवासी होना चाहिए। अब हम नौवां पॉइंट समझेंगे आरक्षण से संबंधित। तो जितनी भी सीट है उसमें 16% सीट जो होती हैं वो SC की हैं, 20% सीट ST की हैं और बाकी जो OBC के लिए 14% सीट आरक्षित हैं। वहीं सभी आरक्षित वर्ग मतलब ST SC OBC में सभी में 5% जो सीट है वो किसान वर्ग के लिए आरक्षित है, जो हमने पहले देखा था। अब इसके भी अंदर किसान वालों के लिए भी दो क्राइटेरिया ये हैं कि आप तभी किसान कहलाएंगे जब आपने 5वीं 8वीं 10वीं या फिर 12वीं में से कोई दो कक्षाएं आपने ग्रामीण क्षेत्र में की हो, और दूसरा ये है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र साला के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने का प्रमाण पत्र आपको तहसीलदार या फिर विकासखंड अधिकारी से बनवाना होगा। अब उसके बाद यह है कि जितने भी सभी वर्ग हैं वहाँ पर जो 3% जो सीट हैं वो उनके लिए है जिनके जो पूर्वज हैं वो सेनानी रहे हों, स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हों। बाकी जो 2% जो सीट हैं सभी वर्ग के अंदर वो डिफेंस पर्सन जिनके पिता पहले सैनिक रहे हों या फिर दुर्ग वीरगति पा कर गए हों युद्ध के समय, उनके लिए 2% सीट हैं। अब आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवीणता सूची घोषित करने की विधि। मैं पहला पॉइंट है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का जो चयन है वो योग्यता के अधार पर होगा, अनुसार होगा, और जिन्हों की मेरिट सूची में नाम है वही एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है जैसे ST SC OBC का, उसके नंबर अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, और जब वो जिन भी का इसमें अनारक्षित श्रेणी में हुआ है सिलेक्शन उनको अपना वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किन्हीं कारणवश 30% महिलाएं नहीं हो पाती हैं तो वो जो बाकी जो सीट हैं वो पुरुषों को दे दी जाएगी। अब महाविद्यालय का जो भी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, स्पॉट काउंसलिंग होगी, तो उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद जो भी सीट बचेगी वो स्पॉट काउंसलिंग में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और महाविद्यालय में जो भी ये प्रक्रिया चलेगी वो एकदम निर्धारित समय विधि के अंदर होगी, क्योंकि शैक्षणिक सत्र सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक सारी की सारी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और जो पाँचवा जो और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं, किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हो गए, तो जिन भी विद्यार्थियों के समान अंक हैं तो उसमें से जिनके बायोलॉजी और बॉटनी अर्थात सॉरी जूलॉजी एंड बॉटनी अर्थात प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में जिसके ज़्यादा अंक होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। अब 11वें नंबर का पॉइंट है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित। तो इसका काफ़ी सारे आपको पत्र देने पड़ते हैं, प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो इसका एक अलग वीडियो बनेगा। अब 12वां पॉइंट यह है कि विश्वविद्यालय काउंसलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा, तो आपको ndvsu.org की ये जो साइट है आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे समय समय पर देखा करिएगा। और जो भी यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने में असफल रहता है तो उसकी सीट को रिक्त माना जाएगा। अब जो पांच जो हमारे पास जो फीस है, फीस उसको एक निर्धारित समय पे जो भी काउंसलिंग है उस समय आपको जमा करनी पड़ेगी। तो हम फीस स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक 5.5 साल का कोर्स है, 5.5 साल का कोर्स है, तो इसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय, चौथी, चतुर्थ एंड पंचम वर्ष, तो जो फोर्थ ईयर है वो 1.5 साल का होता है। तो यहाँ पे आपको पहले साल 44,000 रुपये देने पड़ेंगे, इस तरह से आपने आपका एक स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अलावा छात्रावास भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्रावास में बहुत कम और सीमित सीटें होती हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका पहले से पहले आपको छात्रावास मिल जाए।
तो यहाँ पे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तो इनके लिए जो छात्रावास हैं उनका जो कुल जो शुल्क जो लगता है वो प्रथम वर्ष में 6,410। तो इस तरह से आपका पूरे साल का है ये, आप इसे महीने का ना समझिएगा, पूरे साल का है और बहुत ही कम अमाउंट होता है हॉस्टल का। तो इस तरह से आपका ये जो भी इंफॉर्मेशन है रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको रूल्स एकदम क्लियर हों, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मोटिवेट हूँ मैं कि और वीडियो बना पाऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ रिगार्डिंग द मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट। थैंक यू।